हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आज मेरा वीडियो जो है फ्रेंड मैरीगोल्ड के ऊपर है कि जुलाई में मैरीगोल्ड को कैसे ग्रो करें। मैरीगोल्ड जो होता है बहुत ही कम देखभाल में चलने वाला प्लांट होता है। इसके फूलों में इसकी सीड होती है और आप देख सकते हो बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। और ये तो एक ऑयल कैन में लगा हुआ है फ्रेंड, लेकिन मेरे पास एक बड़े पॉट में भी कुछ पौधे लगे हुए हैं जिसमें बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। और जुलाई में यानी कि विंटर फ्लावरिंग प्लांट होता है मैरीगोल्ड, लेकिन आप देख सकते हो जुलाई में भी इसके बहुत अच्छी साइज़ है फूलों का। तो मुझे इस तरीके से इतनी अच्छी फ्लावरिंग कैसे मिली मैं आपको बताऊंगी, इतनी अच्छी ग्रोथ कैसे हो रही है। लेकिन आपको इसमें एक काम को करना होगा फ्रेंड, नहीं तो हमारा मैरीगोल्ड का प्लांट ना कुछ हद तक ख़राब हो जाता है, क्योंकि बारिश हो रही है। बारिश के टाइम पर फूलों में पानी गिरता है तो फूलों की लाइफ टाइम कम हो जाती है और कुछ हद तक हमारे पौधे भी ख़राब होने लगते हैं। यानी कि बारिश का पानी जब हमारे पॉट की मिट्टी गिरता है तो जो एक्स्ट्रा वाटर रहता है वो नीचे की ओर से निकल के आ जाए। इस तरीके से पॉट को तैयार करें, ड्रेनेज होल जो होता है वो अच्छे से बनाना चाहिए, तब हमारा पौधा बरसात में भी ख़राब नहीं होगा। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो फ्रेंड मैरीगोल्ड का ये फूलों का साइज़ कितना बड़ा बड़ा है ना। तो बहुत आसान तरीके से मुझे इस तरीके से यानी कि फ्लावरिंग मिली है। आप इस प्लांट की ग्रोथ देख सकते हो, ये एकदम से झुक गया ना, तो इसको सीधा करना पड़ेगा फ्रेंड। यानी कि इस प्लांट को यहाँ से ऐसे उठा के मैंने बांधने के लिए यहाँ पर एक पाइप भी रखा हुआ है। इसका ब्रांच जो है एकदम से सो ही गया था फ्रेंड ज़मीन पर, तो इसको किसी यानी कि पाइप वगैरह में बांधना पड़ेगा। तो मैंने ये पाइप लगाया हुआ है और इसमें मैं इसको पहले लेती हूँ फ्रेंड, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र डाला है कि मेरी जुलाई के टाइम पे भी मेरे मैरीगोल्ड में इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड, मैंने इसको बांध दिया अच्छी तरीके से। अब बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चलेगी या फिर बारिश आएगा तो भी फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरा पौधा इससे बंधा हुआ है और ये अच्छी तरीके से एकदम से यानी ग्रो करेगा। तो अपने पौधे का ऐसे छोटे छोटे से हमें ख्याल रखना पड़ता है फ्रेंड, तभी हमारा पौधा अच्छे से ग्रो करता है, चाहे वो कोई भी प्लांट हो। और आप इसमें देख सकते हो कितने सारे बर्ड्स आए हैं ना, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये सारी कलियाँ इसमें बन रही है। इस साइड भी बहुत सारा है फ्रेंड। तो मुझे ये जो यानी कि इसमें जो ग्रोथ मिला है और ये जो फ्लावरिंग मिली है, इसका राज एक है कि एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है जो मैं लगातार उसमें ही बनाते रहती हूँ फ्रेंड और अपने पौधों को देते रहती हूँ, जिससे मुझे इस तरीके से जुलाई में भी फ्लावरिंग मिल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें ऑरेंज के छिलके हैं, प्याज के छिलके हैं, केले के छिलके, ये सारे छिलके इसमें ही रहते हैं फ्रेंड। मैं इसमें पानी देती हूँ, फिर से छत में ही रहता है ये, और फिर इसको ऐसे ही डाल देती हूँ। डालने के बाद फिर किचन से ला के इसमें ही डालती हूँ और फिर बनते ही रहता है वो। एक दिन दो दिन का गैप देती हूँ, फिर उसके बाद इसमें देते रहती हूँ। सिर्फ इसमें ही नहीं, और भी जितने फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें भी। और सिर्फ इस छिलकों के जो लिक्विड फर्टिलाइज़र से मुझे इस तरीके से मैरीगोल्ड में फ्लावरिंग मिली है, वो भी इस समय में। तो बस इतना करें आप। और मैरीगोल्ड में जो खुशबू होती है फ्रेंड, मैं क्या बताऊँ, बहुत ही सुंदर एक अट्रैक्टिव फ्लावरिंग प्लांट है ये। अगर आपने मैरीगोल्ड कभी नहीं लगाया तो कहीं से भी एक सूखा हुआ फूल लेके आए और ढेर सारे मैरीगोल्ड के पौधे उसमें से तैयार हो जाएंगे। अगर मैरीगोल्ड आपने नहीं लगाया तो फिर गार्डनिंग ही अधूरी है फ्रेंड। फिर ठीक है दोस्तों, मिलती हूँ इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में।